झारखंड राज्य खाद्य आयोग द्वारा आज वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को धरातल पर उतारने और निगरानी में बेहतर कार्य करने वाले मुखिया और विभाग के अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सम्मानित किए मुखिया ने बताया कि कैसे वे अपने क्षेत्र में हो रहे राशन वितरण में गड़बड़ी को रोकने का काम उन्होंने किया। ऐसे कार्यक्रम का निहायत जरूरी है। सरकार के प्रति जो भी प्रदत्त लाभ सुख सुविधा है उनके विषय में जानकारियों का अभाव रहने के कारण लोग उससे वंचित रहते हैं, नहीं ले पाते। ऐसे परिस्थिति में इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है। मैं समझता हूं इस तरह का कार्यक्रम के माध्यम से ही समाज के वैसे व्यक्ति जो सरकार के योजनाओं से आच्छादित होने वाला है या उसको पाने का पात्रता रखता है, वैसे व्यक्तियों के अंदर में जागरूकता पैदा होगा और हम समझते हैं कि आयोग की प्रतिबद्धता के अनुसार उन्होंने अपने अधिकार और हक के मुताबिक सारा अधिकार को प्राप्त करें। जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था भी कुछ होती है। एक बात आपने कहा, विवशता भी जनप्रतिनिधि का होता है। जनप्रतिनिधि तो सार्वजनिक होते हैं और सार्वजनिक होने के क्रम में किसी के विरोध में जाना और किसी के पक्ष में रहना ये जनप्रतिनिधि के लिए एक बहुत बड़ा संकट का समय होता है। फिर भी समाज के हित के लिए जनप्रतिनिधि को ऐसे कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। कि आयोग ने अभी राज्य के सभी 24 जिलों में मुखिया संवाद किया। मुखिया संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को उसका अधिकार बताना। क्योंकि झारखंड के एक एक व्यक्ति तक सीधा आयोग नहीं पहुंच सकता था, इसलिए आयोग ने एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर मुखिया को लिया। कि आयोग का ये मानना है कि अगर मुखिया को हम जागरूक कर दें, उनको NFSA की सारी योजनाओं के बारे में बता दें, NFSA में प्रदत्त कर्तव्य और अधिकार की जानकारी दे दें, तो वो फिर अपनी पंचायत में लोगों को बता सकते हैं। इस माध्यम से हम जन जन तक पहुँच सकते हैं और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी दे सकते हैं। तो मुखिया में एक तरीके से प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए ये आयोग ने ये तय किया कि अगर जिले में NFSA को क्रियान्वित और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वालों को अगर चयनित करके पुरस्कृत किया जाए तो एक आपसी प्रतिस्पर्धा में हर मुखिया चाहेगा कि हम बेहतर काम करें ताकि हम पुरस्कृत हों। ये उस दिशा का पहला प्रयास है। इस प्रयास का क्या असर हुआ नहीं हुआ ये प्रयास के बाद ही आकलन करने से पता चलता। ये हर साल रहेगा। पिछले साल हम लोगों ने बेहतर काम करने वाले DGRO को पुरस्कृत किया था। उसी कड़ी में एक नया प्रयास हुआ है कि इस बार से मुखिया को किया गया है। आयोग आकलन करेगा अगर किसी और प्रयास की आवश्यकता है, जैसे अध्यक्ष महोदय की सलाह आई उस सलाह पर भी आयोग चिंतन करके आगे बढ़ेगा कि जिला परिषद के सदस्य हैं और भी जितने पंचायत स्तर के जो भी और जनप्रतिनिधि हैं सबको जोड़ने का प्रयास होगा। वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले अधिकारियों को दिया, इस बार मुखिया को दे रहे हैं। आयोग फिर समीक्षा करेगा, अगर कोई और नए प्रयास करने का आवश्यकता है तो नए प्रयास किए जाएंगे। आपने मन से कहीं न कहीं लाभुकों तक जो खाद्यान्न योजना है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। ये देखिए, अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती, नहीं हो रही होती, तो आयोग को ये प्रयास करना नहीं होता। प्रयास ही ये बता रहा है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है, हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है। तो सुधार की प्रक्रिया को अपनाना ये नहीं बताता है कि समस्या चिंताजनक है। सुधार तब भी वांछित है जब चीजें ठीक हो, तो भी क्योंकि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया हरदम जारी रहेगी। इस प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि चीजें बहुत भयावह स्थिति में है। जैसे आपने मंच से जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनकी भी भाषा आपने सुनी, उनकी भी बात सुनी कि इस दिशा में खाद्य आयोग के प्रयास को देश भर में सराहना मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड में स्थिति बहुत सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। चिंताजनक अन्य राज्यों में भी है। अन्य राज्यों में प्रयास नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ स्थिति बेहतर होने के बावजूद और बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं। करते थे जो कि आपको ये सम्मान मिला है? हमको जो केंद्र से अनाज मिलता था लोगों के लिए तो महीना में दो बार देता था, तो उसी समय का जो टेलर दुकान जो PDS दुकान था वो अपना एक महीना का बढ़ता था और एक महीना अपना खा जाता था। तो बाद में हमको पता चला कि शिकायत किया कि हम लोग को पता चला कि महीना में दो बार केंद्र से आता है चावल, वो हम लोग को एक ही बार मिलता है। तो हम उसमें वो लघुक से हम आवेदन लिए और उसमें जिला में हम दिए जांच करने के लिए,
तो उसी में कार्रवाई हुआ और एक डीलर सस्पेंड भी हो गया है और एक डीलर को 6 महीने के लिए सेसमेंट किया था। मैंने एक मुखिया होने के नाते पंचायत में गरीबों के बीच जाती थी और राशन वितरण करते के समय हम उन लोगों के साथ मैं स्वयं बैठ के राशन वितरण करवाती थी और गरीब लोगों के बीच मैं बहुत से कार्ड बनवाए हैं। इतने ही काम करके मैं अपने सम्मानित में पहला स्थान आया। आपको सम्मान मिला और भी आगे काम करेंगी। अच्छा, हम अभी दूसरे आपको लगता है कि गांव में जो गरीबों को अनाज मिलता है उसमें कई घोटाला होता है? मेरे जानकारी के अनुसार पहले घोटाला होता था, लेकिन जब से हम मुखिया बने हैं हमेशा हम निगरानी करते रहे हैं और उस घोटाला को हम कम करवाए। मेरा नाम है उषा खलखो, पंचायत दुरु प्रखंड महुआडार से, जिला लतेहार। www.thefollowup.in